ताकत देने वाला पवित्र आत्मा, वो आपको ताकत देगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको सामर्थ्य देगा उसके साथ चलने के लिए, पवित्र आत्मा के क्लोज रिलेशन के लिए पवित्र आत्मा आपको ताकत देगा। आपके लाइन पे सुपर नेचुरल मिराकल का समय है मेरे प्यारे भाई। प्रभु के नाम को महिमा हो। गॉड इज अ वंडरफुल गॉड, गॉड इज अ मार्वलस गॉड, गॉड इज अ फेथफुल गॉड। और परमेश्वर को जब आप जानोगे, यू विल नेवर से आप वही नहीं रहोगे, यू विल चेंज, आप बदल जाओगे। एक उकाब की तरह हालिया नए पंख परमेश्वर आपको देगा, नई उड़ान के लिए तैयार हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। गॉड्स वांट टू, परमेश्वर की इच्छा है कि आप बहुत बड़ी उड़ान ले। परमेश्वर की इच्छा है कि आपने एक मोटी भरारी घ्यावी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो उड़ान कब हो जाएगी? जब आप हालेलुया एक उकाब की तरह, एक गरुड़ा प्रमाणे तुमचे पंख, हालेलुया ताकत तुमच्या पंखामध्ये येईल। जब तुम्हारे पंखों में हमारे हालेलुया बहुत बड़ी ताकत आ जाए और ताकत आपके परों में कब आएगी? जब आप परमेश्वर को पहचानोगे। नो द गॉड, परमेश्वर को पहचानो, हु इज योर गॉड। बहुत लोग मसीह में पुराने होते हैं, चर्च जाते हैं, चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बट दे डोंट नो हु आर यू। लेकिन प्रभु की इच्छा है कि आप जानो, यू आर चोजन वेसल, आप चुने हुए पात्र हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता कि हु आर यू, मैं कौन हूँ, मैं तो एक साधारण हूँ, ओ मेरा तो कुछ एजुकेशन नहीं हुआ, मुझे मेरे कुछ शिक्षा ही मुझे नहीं मिली। ओ मेरे प्यारे भाइयों, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा है कि पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोलना चाहता है। गॉड वॉन्ट टू ओपन योर आइज। हालेलुया। और जब आपके हालेलुया आंखें खुल जाएंगी, माइटी माइटी वर्क, बहुत बहुत बड़ा काम परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। इसलिए पौलुस की यही प्रार्थना है कि आपले तुमचे अंतरचक्षु, तुम्हारे अंदर की आँखों को वो खोलना चाहता है और देखना चाहता है कि हु आर यू, आप मसीह में कौन हो, मसीह में आपकी पहचान क्या है, ख्रिस्ता मध्ये तुम्ही कौन आहात, ख्रिस्ता मध्ये तुमची ओळख काय आहे। आणि जेव्हा तुम्ही ख्रिस्ता मध्ये ओळख पहाल, जब तुम पहचानोगे कि येशू में मेरी पहचान क्या है, हालेलुया, यू विल डू अ माइटी माइटी, ओ यू विल रोर लाइक अ लायन। प्रेज द लॉर्ड। एक चित्र मैंने देखा प्रोफेट हिज़किया फ्रांसिस के एक बुक पर, उन पर ऐसा चित्र था, ड्राइंग था कि एक बिल्ली है और उस एक उसके सामने एक मिरर है, हालांकि एक आईना है, एक दर्पण है, उस दर्पण के सामने जब वो जाती है, उस दर्पण में उसका जो मुखड़ा है, चेहरा है, वो लायन के समान दिखता है। हालेलुया। और ये दर्पण कुछ भी नहीं है, वो आईना कुछ नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा है कि आप इसमें देखो तो आप एक लायन की तरह दिखोगे। लेकिन आप अपने एक तरफ देखोगे, आप बोलेंगे मैं बिल्ली भी नहीं पास्टर जी, मैं तो चूहा हूँ। लेकिन जब आप इसमें देखोगे,
परमेश्वर के वचन को देखोगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, और जब पवित्र आत्मा आपको रिवील करेगा, पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देगा, हालेलुया। ओ मेरे प्यारे भाइयों, ही इज अ वंडरफुल टीचर, ही इज अ वंडरफुल वॉरियर, ही इज अ वंडरफुल इंटरसेशर, हालेलुया। उसके किस सिवाय हम कुछ भी कर नहीं सकते, इसलिए प्रभु ने हालेलुया उसका पुनरुत्थान होने के बाद उनको कहा, ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता है। क्रूस के विधान वाक्य और सात वाक्य सब लोगों को मालूम है, लेकिन एस्टर का पुनरुत्थान, जब पुनरुत्थान प्रभु का हुआ, उसका जो संदेश है वो चर्च को मालूम नहीं है। और प्रभु की इच्छा है कि हालेलुया वो संदेश आप पहचानो, सुनो, पुनरुत्थानित प्रभु यीशु का क्या प्रचार है, क्या संदेश है, क्या वो कलीसिया से कहना चाहता है, क्या वो चर्च से कहना चाहता है, क्या वो हालेलुया विश्वासु लोगों से कहना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों, सुनो, सुनो उसकी वाणी। क्रूस पर मरे हुए मेमने को सब जानते हैं, लेकिन पुनरुत्थानित हुए हालेलुया यहूदा के सिंह को लोग जानते नहीं है। क्रूस पर वो मेमने के जैसा मर गया, लेकिन जब पुनरुत्थानित हुआ एक लायन की तरह हुआ वो। आज मेमने को बहुत जानते हैं, लेकिन पुनरुत्थानित हालेलुया हमारा यहूदा का सिंह को, शेर को, बब्बर शेर को कोई नहीं जानता है, विश्वासु लोग नहीं जानते हैं। वो पवित्र आत्मा, ओ हालेलुया, ओ उसको बहुत दुख होता है, ओ दिल में उसमें बहुत हालेलुया कहराता है वो, नो हिम। और वो लायन का यहूदा का सिंह पुनरुत्थानित जब हुआ है हालेलुया वो हम में रहता है। इसलिए वो चेलों को कह रहा था हालेलुया 40 दिन उसकी मिनिस्ट्री चालू थी, 3.5 साल की लोगों को मिनिस्ट्री मालूम है हालेलुया, लेकिन 40 दिन की यीशु मसीह की मिनिस्ट्री लोगों को मालूम नहीं। पवित्र आत्मा हमें वो मिनिस्ट्री हालेलुया यीशु की मिनिस्ट्री हालेलुया पवित्र आत्मा की इच्छा है कि हमारी आँखें खोल दे। इसलिए प्रभु ने मुझे तीसरा पार्ट है ये, जाने नहीं दे रहे प्रभु आगे। हालेलुया, जब प्रभु बोलेगा, पवित्र आत्मा बोलेगा उधर ही जाना है, तो वहाँ पर ही जाना है। जब पवित्र आत्मा से भरकर संदेश होते हैं हालेलुया, इट्स अ पावरफुल एंड लाइफ चेंजिंग हालेलुया एंड माइटी वर्क विल बी डन हालेलुया इन ऑल कॉन्ग्रीगेशन। जब पवित्र आत्मा से संदेश आता है मेरे प्यारे भाइयों, लोगों के दिलों को छू लेता है, लोगों के दिलों को चीर देता है वो हालेलुया। पत्रस ने जब हालेलुया पहला संदेश दिया, कुछ भी प्रिपरेशन करके नहीं बैठे थे वो, नो प्रिपरेशन, नो बाइबल रीडिंग। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि लोग बोलते अरे बाइबल रीडिंग नहीं करना है, प्रिपरेशन करो, लेकिन हालेलुया जब हालेलुया खड़े होने से पहले पवित्र आत्मा से पूछो, जब खड़े हो जाओ तो पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, वो प्रीचिंग करो। देखो लोगों के दिलों में बहुत बड़ा कार्य होता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फ्लो ऊपर से आएगा और जब मुख से बाहर निकलेगा तो जीवन की नदी बहेगी, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु की इच्छा है कि तुम में से जीवन की नदियां बहे, झरना नहीं, सोता नहीं, ये तो नदियां है मेरे प्यारे भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ओ हालेलुया। जब एचकेल ने 47 चैप्टर में देखा उस नदी में वो क्रॉस हुआ, उस व्यक्ति को हालेलुया उस व्यक्ति ने लेके गया, एचकेल को दिखाया, चलो आगे, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा है। और जब वो क्रॉस हो जाता है हालेलुया वो नदी मिराकल नदी में परिवर्तन हो जाती है।
वो नदी चमत्कार से भरी हुई नदी हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, जब आप और पवित्र आत्मा वो यूनाइटेड हो जाएंगे, हालेलुया, जैसा वो कहता है कि जो प्रभु से जड़ लाए तो प्रभु तो एक आत्मा है, जो प्रभु से जुड़ गया है वो और प्रभु एक आत्मा है। हालेलुया, जब हम एक आत्मा, ओ पवित्र आत्मा हम में, ओ हम पवित्र आत्मा में, हालेलुया, क्राइस्ट इन अस, वी आर इन क्राइस्ट, हालेलुया। मेरे प्यारे हारो भाइयों, वो नदी साधारण नहीं, सुपर नेचुरल हो जाती है, क्योंकि भाई मैंने लिखा है जहाँ कहीं भी गए गई जीवन लेके गई, मरे हुए जन जीव जंतु को, प्राणी को जिंदा करके गई, मिराकल वाटर हो गया वो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा संदेश जब पवित्र आत्मा सा टच हो जाएगा उसको, दैट इट विल बी मिराकल वाटर फॉर द पीपल, मिराकल लोगों के लिए। हालेलुया, वैसा ही पवित्र आत्मा का संदेश हालेलुया गया, इसलिए प्रभु ने कहा ठहरे रहो मेरे प्यारे भाइयों। पुनरुत्थानित प्रभु यीशु का संदेश यही है मेरे प्यारे भाइयों। वो निराश थे, डरे हुए थे, घरों में चुप गए थे, इसलिए वो बोला डरो नहीं, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, स्टैंडिंग, बोलो स्टैंडिंग, खड़ा कर रहा है वो। कि कोई निराश व्यक्ति को कभी प्रभु इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसी हालेलुया, मैंने एक प्रभु के सेवक ने भी बोला कि शैतान का जो बहुत बड़ा शस्त्र है वो डिस्करेजमेंट है, निराशा है, और निराशा के कारण हालेलुया यू कांट प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। सो 40 दिन की मिनिस्ट्री वही मिनिस्ट्री थी उसकी, जो निराश है, थके हुए हैं, घबराए हुए हैं, डिस्करेज है, उन्हें खड़ा करना है। एलिया भी जब हालेलुया इज़बेल से भाग गया, भाग भाग कर उस हालेलुया जाऊ के पेड़ के नीचे सो गया, प्रभु ने मिनिस्ट्री शुरू कर दी उसकी। बोला एंजल, बोला हो यस लॉर्ड, क्या आज्ञा है? कुछ आज्ञा नहीं है एलिया, वो थका हुआ है, निराश है, उसको जरा रोटी बनाकर खिला दो बाबा। एंजल बोला, एंजल के सिर पर तारे दिखने लगे, आंखों में अरे तारे चमके, प्रभु अरे उसको तो एक लात मारना चाहिए, उठाऊंगा अभी मैं जाकर। इतना पावरफुल, तुमने आग भेजी, उसने प्रेयर किया, इतने बड़ा बहुत रिवाइवल आया इसराइल में, और वो तो सोया हुआ है, भागा है, प्रेयर कर रहे हैं, मुझे मार दो प्रभु, मुझे उठा लो प्रभु। बहुत लोग प्रेयर करते हैं ऐसे, प्रभु मुझे उठा लो बाबा। अरे उठाएगा नहीं, लोगों को उठाएगा आपकी प्रीचिंग के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। लोगों को खड़ा करना है, हालेलुया, तुमको पहला खड़ा करेगा, फिर लोगों को खड़ा करेगा। इसलिए 40 वापस वो रोटी पका रहा है, एंजल दे रहा है, वो खा रहा है। व्हाट अ मर्सीफुल गॉड वी हैव, कितना प्यारा परमेश्वर। इसलिए मैं कहता हूं जब आप उसको जानोगे हालेलुया, उसके प्यार को हालेलुया, यू विल बी अ लवर ऑफ गॉड। सृष्टि गीत में लिखा है, ओ तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध उत्तम है, तेरे नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती है। हालेलुया, तेरा इत्र बहुत पावरफुल है प्रभु, तेरा प्यार बहुत पावरफुल है परमेश्वर, इसलिए कुमारियां तुझसे प्यार करती है। चर्चेस आपके प्यार में गिरा है, मैं आपके प्यार में घायल हुआ हूँ। हालेलुया, सारी दुनिया, भारत नहीं, हालेलुया इज़राइल में स्टार्ट हुआ, पूरे भारत दुनिया को हालेलुया उसके प्यार ने खींच लिया। प्रेज द लॉर्ड, दैट इज द लव ऑफ माय गॉड, पूरे दुनिया को खींच लिया है उसके प्यार। वो उसको मालूम था, अरे तुमने मेरा प्यार देखा है, हालेलुया मैं तुम्हें खड़ा करूंगा, और ये मेरा जो प्यार है तुम दुनिया को प्रकट करोगी।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए वो जा रहा है, उसको मालूम था, ही नोज, दे नोज माय क्रूसिफिकेशन, दे नोज माय द लव, मेरा प्यार वो जानते हैं, मैंने क्या सैक्रिफाइस किया है। पत्रस ने देखा, योहन्ना ने देखा कैसा भूमि पर वो गिरता था, कैसा प्रेयर करता था, हालेलुया। एक भी चेला उसके लिए प्रेयर नहीं कर सका, उसके प्रार्थना से एक ने भी प्रेयर सपोर्ट नहीं दिया उसको। हालेलुया मेरे प्यारे भाई, अकेला उद्धार का जो कार्य है सिर्फ हमारे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ने किया है, मनुष्य का कोई भाग नहीं उसमें। प्रेज द लॉर्ड, हालो सब देखा उन्होंने, ओ व्हाट अ स्लैटरिंग, कितने मारा। पत्रस देख रहा है, ओ जो खजूर की डाली ने उसका स्वागत किया था, वही खजूर की डाली से उससे मार रहे हैं, थूक रहे हैं, दाढ़ी खींच रहे हैं, ओ व्हाट अ परसिक्यूशन, कितना तकलीफ, कितना दुख है। क्रूस पर उस खिले उसके हाथों में पैरों में खिले, ओ व्हाट अ परसिक्यूशन, जैसा होम बलि के समान, होम बलि के समान, जैसे भेड़ों को, जैसे प्राणी को, पशुओं को, हालेलुया उसकी पहली खाल निकाल देते। बाइबल में पढ़िए आप, लेवीय व्यवस्था में, लेविटिकस, लेवीय व्यवस्था में उसकी खाल निकालते थे, फिर उसको वापस सैक्रिफाइस करते थे। प्रभु की खाल निकाल दी, 39 39 कोड़ों से उसकी खाल निकाल दी। मेरे प्यारे भाइयों, वही अर्पित करने वाले मेमने के समान, उस पशु के समान, होम बलि का पशु, हालेलुया। और जब होम बलि अर्पण करते थे, ऊपर से आग आकर भस्म करती थी, वो फायर ऊपर से आता था। हालेलुया, सारा क्रोध परमेश्वर का, हमारा क्रोध उस पर डाल दिया, हमारे पाप का क्रोध, हमारे हालेलुया श्राप का क्रोध, हालेलुया सब उस पर प्रभु ने डाल दिया, हालेलुया। और वो बाइबल में लिखा है कि ओ सुगंधित, सुगंधदायक, सुगंध वाला हवन, सुगंधदायक, बोलो सुगंधदायक, सुगंध वाला ऊपर हवन जाता था। और सिर्फ ऊपर ही नहीं गया, परमेश्वर का बहुत भाया वो, हालेलुया। वो सुगंध, हालेलुया, इज़राइल से स्टार्ट हुआ, हालेलुया, धीरे 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 एक एक देश करके, हालेलुया, इंडिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, सारे दुनिया में फैल गया वो सुगंध। प्रेज़ द लॉर्ड, उस सुगंध को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए वो कहती है कि सारी कुमारियाँ तुझसे प्रेम करती है। हालेलुया मेरे प्यारे भाइयों, हालेलुया। आर यू फॉल इन लव इन लव विद क्राइस्ट, क्या आप प्रभु के प्यार में गिरे हुए हो? हालेलुया। चेलों को मालूम था, उनको पता चला हमारे लिए, लेकिन वो निराश थे। आर यू डिस्करेज, निराश होने का कुछ कारण भी नहीं होता है, नो रीजन। एलिया के लिए कौन सा रीजन था? नो रीजन। शैतान हमें निराश करना चाहता है, ओ शैतान हमें, उनको दिखा जा रहा था तुम्हारा यीशु मर गया है, ओ हालेलुया वो जिंदा नहीं होगा, और ख़त्म हो गया तुम्हारी स्टोरी, तुम्हारा मिनिस्ट्री ख़त्म हो गया, तुम्हारा सब कुछ ख़त्म हो गया, ओ तुम्हारी मिनिस्ट्री ख़त्म नहीं हुई है। हालेलुया मेरे प्यारे भाइयों, पासवानो, ओ हालेलुया प्रभु के चेलो, लीडर लोगों, ओ योर मिनिस्ट्री इज नॉट डाई, हालेलुया योर मिनिस्ट्री विल रेज, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा, ओ प्रभु यीशु आपकी मिनिस्ट्री रेज करने वाला है। हालेलुया, चेले सब बोले अभी खत्म हो गया, एक टीचिंग हो गया, बहुत हो गया, लेकिन क्या है, हमारा यीशु ही नहीं रहा। उसको मालूम नहीं था, आप जब वचन पढ़ोगे, हालेलुया बाइबल में लिखा है, ओ कुरुंथियों की पहली पत्री 2:8 में, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वो जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। सैतान को मालूम ही नहीं था कि हालेलुया ये क्रूस पर चढ़ाने के बाद वापस जिंदा होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल में कहते हैं, उसको मालूम नहीं था, हाकिमों को, लोग बोलेंगे ये हाकिम दूसरे संसार के, नहीं नहीं नहीं, इसका रेफरेंस इफिशियंस की इफिशियों की पत्री 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, और हालेलुया संसार के हाकिमों से,
हालेलुया। ये संसार की हाकिम कौन है? दुष्ट आत्मा शैतान को मालूम ही नहीं था, उसकी मेमोरी छोटी है, बोले छोटी है, पावर ताकत नहीं, नहीं हम बोलते प्रभु बहुत मोटी है, हम मारेगा वो हमारा कुछ अभी हम नहीं जी सकते, HIV हो गया, ये हो गया, कोरोना हो गया, हम नहीं जी। अरे नहीं नहीं नहीं, हालेलुया। उसकी बीमार जो बीमारी लाता है उससे भी पावरफुल हमारा प्रभु यीशु का हीलिंग है। प्रेज द लॉर्ड। जो श्राप है उससे भी पावरफुल हमारे प्रभु यीशु के आशीषित है। Amen. जो आशीष प्रभु ने दिया है हमें आशीषित किया है। जो पाप है उससे भी पावरफुल राइचियसनेस है जो प्रभु ने हमें दिया है। जो अंधकार है उससे भी पावरफुल हालेलुया परमेश्वर की ज्योति है। और ज्योति जब हालेलुया सामने प्रकट होती है, कितना भी गहरा गहरा अंधकार हो नष्ट हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उसकी ज्योति बहुत बहुत पावरफुल है। शैतान को मालूम ही नहीं था, बोलो शैतान को मालूम नहीं था, उसको मालूम है। कब्र में गया, इतना उसको टेंशन आया, उन लोगों का तापा लिया, शास्त्री फरीसी का लोग बोले, हुकुम हाकिम को लोग बोले, अरे इसको ऐसा कर दो, इसको सील लगा के रख दो, इसका बड़े पत्थर रखेंगे और पत्थर इसको सील भी नहीं करेंगे, हमारे आपके लोग भी दे दो उनको, क्योंकि वो बोल रहा था जिंदा होने वाला है। शैतान ने पूरा बंदोबस्त किया था, अभी अरे नहीं बाहर भी नहीं आएगा वो लेकिन हालेलुया हमारा प्रभु हालेलुया ओ मुर्दों में से जिंदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान की मेमोरी लॉस हो गई, शैतान का पूरा पूरा पावर ओ खत्म हो गया। रिजरेक्शन पुनरुत्थानित पुनरुत्थान क्या है? हालेलुया पुनरुत्थान शैतान का पराजय है और हमारा विजय है। प्रेज द लॉर्ड। लोग क्रूस पर देखते हैं और आज भी लोग 40 डेज लेन दुख मनाते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं, दुख मनाते हैं। अरे नो 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 नो, रिजरेक्टेड पावर समझो। हालेलुया शैतान हालेलुया हारा। ओ वो वापस उसके सर पर हाथ रख कर गया गया, अरे बाप रे क्यों मैंने यहूदा इस्कोरकत का ताबा लिया, हमें तो बहुत तक कोशिश की, इसका पकड़ो उसको पकड़ो शास्त्री को पकड़ो, सब दुष्ट आत्मा की सारी सेना सब इजराइल में रही हूँ। शैतान ने लूसीफर ने बोला अरे सारे दुनिया छोड़ दो बाबा, इस अभी इधर ही आना है अभी। पूरा वॉर 1/3 उसके जो एंजल थे स्वर्ग तो दुष्ट आत्मे, वो बोला सब इधर आना है, क्यों? अरे सबको पकड़ना है, इसको पकड़ना उसको पकड़ना, सारे इजराइल यरूशलेम को पकड़ने, लोगों को घुसना है, सब बोलना चाहिए क्रूस पर चढ़ाओ क्रूस पर चढ़ाओ। सबका ताबा लिया पूरी फोर्स हालेलुया। उसके मालूम था यही सब ये, जब आप आत्मा से भरे हुए तो ये हालेलुया शैतान भी पूरी फोर्स लगाता है आपके ऊपर। हालेलुया। आप बोलते अरे ऐसे क्यों हो रहा है, नहीं अरे अरे मुझे तो नीचे नीचे डाल रहे हैं प्रभु, भाई में घुसता है बहन में घुसता है, अरे अच्छा है। इसका यीशु को बाइबल में लिखा है इफिसियों की पत्री 4 चैप्टर में, वो ऊपर गया इसका मतलब क्या है, वो नीचे भी गया। इतना नीचे गया, इतने शैतान ने लगा कि अरे बाबा इसको बहुत प्रेस करेंगे हम, लेकिन जितना नीचे गया उतना प्रभु ऊपर गया, इतना ऊपर कि आकाश का दुरात्मा का जो हालेलुया ओ वातावरण है उसको क्या बोलते हैं हालेलुया ओ इन्वायरमेंट है, उससे भी ऊपर प्रभु का सिंहासन वहाँ पर जाकर बैठ गए। प्रेस द लॉर्ड। आप बोलो अरे बाप रे शैतान का, नहीं 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु जानना हमें कहता है जानो उसके रिजरेक्शन को, पुनरुत्थान को उसके जानो। वो हरा है, जितना आप नीचे जाओगे हालेलुया, उसको लगता है आ नीचे नीचे, यूसुफ को डाला खड्डे में, नीचे जा मर जा, उसके बाद वापस उधर जेल में नीचे नीचे प्रेसिंग डाउन। क्या आपके लाइफ में प्रेसिंग डाउन हो रहा है? लोग पास्टर में भी शैतान घुस जाता है, डरो नहीं।
कभी कभी पास्टर में घुस जाता है, हालेलुया, पतरस में घुसा तो पास्टर में क्यों नहीं घुसेगा? इसलिए कौन से पास्टर के चर्च में जाना है वो प्रभु से पूछना है। जिसका वो लेवल है उतना तक ही आपको लेके जाएगा। जिसका एजुकेशन हालेलुया प्रभु में पांचवी में है वो आपको पांचवी तक ही पढ़ाएगा। जो टखनों तक ही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जानता है वो आपको टखनों तक ही जाएगा। वो आप बोलेंगे नहीं आगे नहीं जाना, अरे कमर तक जाए, नहीं जाएगा, बुड़ जाएगा तू, डूब जाएगा तू। हालेलुया, क्योंकि क्या उसको घुटनों तक ही है वो, उसका टेरी नहीं हो आगे चलने की पवित्र आत्मा के साथ। जो कमर तक है वो आपको बोलेगा अरे इधर तक, आगे मत जाना बाबा। लोग बोलते हैं अरे ज़्यादा अभी जो संस्था की मैं जो संस्था में था उसने मुझे जगह दे दी बिलीवर चर्च ने, और प्रभु ने मुझे बोला कि ये लिविंग वाटर सॉरी ये जो मिनिस्ट्री है ये छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दी उस, और उन्होंने मुझे जगह दी थी, मैं बोला उनको जगह दूंगा। लोग बोले पास्टर लोग बोला अरे नहीं 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 लाखों की है बाबा। वो हालेलुया पवित्र आत्मा में तैरना नहीं जानते, रिक्स नहीं ले उन्होंने हालेलुया, वो मुझे उस दर तक लेके ही नहीं जाएंगे हालेलुया। लेकिन मुझे मालूम है हालेलुया मैं प्रभु के लिए हालेलुया धोखा हालेलुया मैं स्वीकार करूंगा, हालेलुया मैं मर नहीं जाऊंगा, प्रभु मुझे उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और पेतरस ने धोखा लिया। लोगों को चाहिए यीशु को। अरे लोग बोलते वो अनक्षर थे, अडानी थे, कुछ भी मालूम नहीं था, पढ़े नहीं थे, अडानी थे, अनारी थे, लेकिन हालेलुया उनके पास एक जो हालेलुया प्लस गुण था, एक टैलेंट था, लोगों के पास नहीं था, शास्त्री फरीसियों के पास, उनके पास एक बहुत बड़ा जिगर था। मछुए थे वो, एक फायर हार्ड रहता है, तूफान से लड़ने की ताकत रहती है उनके दिलों में। कोई भी जाकर वो तूफान से मछली ले नहीं सकते, उसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। हालेलुया जिगर वाले लोग प्रभु ने चुना है। आज आपका एजुकेशन नहीं, डोंट वरी। हालेलुया आज आपको बाइबल नॉलेज नहीं, डोंट वरी। हालेलुया आपकी ओ स्टेटस नहीं, पैसा नहीं, ओ डोंट वरी। आपकी सूरत नहीं, डोंट वरी। हालेलुया लेकिन एक बहुत बड़ा जिगर प्रभु के लिए चाहिए, रिस्क लेने के लिए, धोखा पत स्वीकार करने के लिए। हालेलुया ओ इसलिए प्रभु ने वो चीज चुने। शास्त्री फरीसी धोखा ले सकते हैं क्या? सेफ्टी मराठी में एक हादसा राखून ठेवायचा। हालेलुया ले प्रभु उसको इस्तेमाल नहीं करता है। हालेलुया ओ पूरे दिल से हालेलुया प्रभु के हाथों में झोंक दो। हालेलुया जो पास्टर पूरे दिल से प्रभु के हाथों में है उसके साथ ही वो आपको बहुत डीप एंड डीप एंड डीप एंड डीप लेके जाएगा। बिकॉज ही नोज माय लॉर्ड विल सेव यू। वो ही आपको बता सकता है, वही आपको परमेश्वर के प्यार में गहराई में लेके जा सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है इफिसियों के पत्र 3:18-19 कि उसकी प्यार की चौड़ाई लंबाई गहराई को पहचानो जानो। हालेलुया जितना आप जाओगे उतना आप करोगे। अरे वाह व्हाट अ वंडरफुल गॉड। पत्रस को पूछो हालेलुया कितना प्यार की गहराई है, वो जानेगा। वो कहेगा अरे मेरे मुझे टैक्स भरने के लिए पैसा नहीं था, मेरे लाइफ में ऐसा मिरेकल नहीं हुआ, लेकिन प्रभु ने बोला जा हालेलुया मछली के मुंह से हालेलुया कॉइन मिलेगा। हालेलुया ओ मेरे प्यारे भाइयों वहाँ से प्रभु ने कॉइन दिया। जो गहराई में जाते हैं, रिस्क लेते हैं, धोखा पत्र वो परमेश्वर की, परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता है, वो वफा से भरा हुआ है। प्रभु की वफाई वफा ओ हालेलुया आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। उसके जैसा वफादार पूरे दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया मेरे तो बहुत मुझे ऐसे लोग मिले। लोग बोलेंगे यार पास्टर जी आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। बहुत लोग मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं दिखता हूँ जवान, लेकिन जब 18-19 को उम्र को मेरा उद्धार हुआ तब से मैं पानी में छलांग लगाता हूँ। छोड़ दिया जॉब, छोड़ दिया सब कुछ, मुझे मालूम है प्रभु संभालने का वो।
हालेलुया। बहुत लोग मैंने देखे हालेलुया जो आपको चुंबन लेते हैं वही आपको पकड़ेंगे। लोग बोलते बहुत बहुत पैस्टर जी बोलते, मैंने देखा चुंबन लेते हैं ये होता है, इसको रेत आया उसने साइन दिया चिन्ह दिया जो इसकी मैं चुंबन लूंगा वही है यीशु, उसको पकड़ना है। लेकिन मैं सोचता हूँ यीशु ने उसे, उसको मालूम था यही पकड़ने वाला है। जब फसह का पर्व था सबको बोला था यही रे बाबा, फिर भी आया वो चुंबन देने के लिए ले रहा है, उसकी जगह हमने तो एक नीचे रहते थे नीचे ये होता है इसको तो मेमोरी लॉस हुई रहती थी उसको। ऐसे कान के नीचे खींच देते थे। यीशु यीशु हालेलुया। चुंबन देने लेकर पकड़ने वाले हैं लोग, उसको चुंबन लेने दो, बोलो लेने दो। हाँ आप चुंबन तो छोड़ो, पास में ही नहीं आना चाहिए, पास चार हाथ दूर कोरोना हो जाएगा। दूर उनसे। ऐसे लोग नहीं, चुंबन ले ले। हालेलुया, दैट इज द हार्ट माय लॉर्ड। यीशु का हार्ट है वो, प्रेज द लॉर्ड। आज उसका हार्ट हम में आना चाहिए, प्रे समझो उसके प्यार को। हालेलुया। ओ मेरे प्यारे भाइयों, शैतान को मालूम भी नहीं था। लोग क्रूस पर देखते हैं, अरे कितना भयानक प्रभु यीशु, ओ हालेलुया। अरे शैतान को मालूम नहीं था, नहीं तो उसने लोगों का ताबा भी नहीं रहता। सबसे बड़ा टेंशन रिजरेक्शन के दिन, हालेलुया, चेलों से भी निराश हुआ रहेगा शैतान। हालेलुया। बोला अरे बाप रे मैंने क्या किया और क्या हो गया, अरे बाबा मैंने एक इशु को मारा, यहाँ तो लाखों हजारों इशु खड़े हो रहे। अरे एक इशु को मारा, ये 120 चेले खड़े हो रहे हैं। हालेलुया मेरे प्यारे भाइयों, उसको बहुत बड़ा टेंशन आया सिर पर। मैं जब पुनरुत्थानित डे पर विचार करता हूँ यीशु को पुनरुत्थानित, ओ मेरे प्यारे वो दिन जो है हालेलुया, ओ रिजरेक्शन डे, ओ मैं देखता हूँ शैतान सर के ऊपर हाथ देकर बैठा है टेंशन से भरा हुआ निराश। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा अच्छा गुण है कि वो निराश भी होता है फिर से खड़ा होता है और हमारे पीछे लग जाता है वो। छोड़ता नहीं वो। लेकिन हम ऐसे निराश हो जाते हैं, प्रभु को आना पड़ते है, रोटी खिलाना पड़ता है, उठ जा रे बाबा, उठ जा रे बाबा। उनको बोला था, अरे 40 दिन पहले बोला था गलील में जाओ, मरियम को बोला, हालेलुया, उस स्त्रियों को भी दर्शन दिया। बाइबल ने लिखा सिर्फ मरियम को नहीं, उन स्त्रियों को भी। मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ो आप घर में जाके 28 में, उनको भी दर्शन दे दिया। बोला गलील में जा रहा हूँ, बोलो। चेले तो डर कर बैठे थे, गलील का 70 मील 70 मील हालेलुया 100 किलोमीटर से ज़्यादा कौन जाएगा, इधर हमारी हवा गई है। वो बोला मैं वहाँ पर आपको मिलूंगा, लेकिन वो किसी के पाप को सुनने के लिए ये नहीं थे, वो बोले नहीं हम इधर ही बैठेंगे यरूशलेम में। डर कर बैठे थे, नो प्रेयर, प्रेयर नहीं हो रही थी। डर कर बैठे थे, अरे बाप रे अभी क्या हुआ। लेकिन यीशु आया वहाँ पर भी, वो बोला नहीं अभी जाने दिया प्रभु, अरे कैसे मुझे बताया आपने, ये चेले को क्यों मैंने ये। हालेलुया हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। हालेलुया कितने भी आप गिरे हैं प्रभु वापस उठाता है आप। हालेलुया कितने भी आप दूर भागोगे, हालेलुया योना भाग गया, ओ योना के जरा दूसरा नहीं, हालेलुया योना मैं तुझे ही खड़ा करूँगा, मछली के मुंह में डालूंगा, लेकिन फिर भी वापस तू खड़ा ही हो जाएगा और खड़ा होके प्रचार भी करेगा तू। अब बोलेंगे नहीं 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 मैं नहीं प्रचार करूंगा, प्रभु बोला करेगा, तू करेगा नहीं मैं करवाऊंगा। मुझे मालूम है तू नहीं करेगा लेकिन मैं करवाऊंगा। आज आप बहुत लोग हैं जो बोलते हैं मैं सेवा नहीं करूंगा, प्रभु करवाएगा आपसे। उसकी ममता पश्चाताप करने के लिए हालेलुया हमें ओ लेकर जाती है प्रभु की, त्याची प्रीति ओ पश्चातापास आपल्याला करायला लावते म्हणजे ओ सर्व पापाची रास जागते आणि आपण उभे राहतो, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया वो बैठे थे लेकिन वहाँ गए, ओ मेरे प्यारे भाइयों
लेकिन वहां पर थोमा नहीं था। पहले संडे ईस्टर के तीसरे दिन जब उसका रिजरेक्शन हुआ, वो मरने के बाद तीसरे दिन में चर्च में सब बैठे थे, थोमा नहीं था। अगले संडे वापस सब लोग थे, वापस फिर वहाँ पर आया थोमा को दर्शन देने। हालेलुया, क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि छोटे से छोटा भी खड़ा हो जाए, जो वीक है वो भी खड़ा हो जाए। आप वीक रहेंगे, आप ताकत नहीं रहेगी आप में, आप हालेलुया आप बोलेंगे मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्रभु आपको खड़ा करेगा। इमाउस के मार्ग पर जाने वाले साधारण चेले को प्रभु भी ने दर्शन दिया कि उसकी इच्छा कि खड़े हो जाए, वो उनके जीवन में से ये निराशा निकल जाए। मेरे प्यारे भाइयों, निराशा निकल जाने दो। हालेलुया, निराशा में प्रभु आपको यूज नहीं करेगा। क्या है परमेश्वर के खिलाफ? आप बोल रहे व्हाई दिस हैपनिंग, यूसुफ ने नहीं कहा व्हाई दिस हैपनिंग, वो बोला आनंदित, जेल में भी आनंदित, इधर भी आनंदित, कहीं पर भी डालो आनंदित। जब आप आनंदित हो जाते हैं प्रभु आपको इस्तेमाल करता है। देखो पढ़ो बाइबल में लिखा है, ओ हालेलुया, लुका रचित सुसमाचार 24 में और 52 में, ओ वो उस ऊपर गया, बाद में लिखा है कि वे उसको दंडवत करके आनंद से यरूशलेम में गए वापस। आनंद से गलील में प्रभु ने उनको दर्शन दिया, उनको छुआ, उनको हालेलुया फीड किया, हालेलुया कि वो वापस आनंदित हो जाए। परमेश्वर आपको आनंदित करना चाहता है। डरो नहीं, ओ कुछ कारण नहीं प्रभु से निराश होने का। शैतान हमें निराश करने को बोलता है। कुछ कुछ लोग बहुत ऐसे प्रभु बोलते, प्रभु अरे ऐसा क्यों ना, नवमी के जैसा। नवमी ने बोला प्रभु, प्रभु ने मुझे, मैं भर कर गई थी, प्रभु ने मुझे हालिया सब खाली करके बेच दिया। अरे प्रभु ने नहीं, शैतान ने तुझे खाली खाली किया। तुझे कौन बोला वहां पर जाने के लिए? निराश होने का कुछ जरूरत नहीं, तू तो भरी हुई थी। कुछ कारण नहीं था वो बेथलेहम छोड़ने के लिए। लेकिन कभी कभी हमें प्रभु से अलग हो जाते हैं, हालेलुया, और निराश हो जाते हैं। निराश मत हो जाओ, प्रभु के दिल को पहचानो, वो आपको खड़ा करना चाहता है। हालेलुया, वो आपने आपके दिल को छूना चाहता है। इमाउस के मार्ग पर उसने उसके चेले के हालेलुया दिल को पहले कुछ कर दिया, हार्ट में, बोलो हार्ट सर्जरी। प्रभु का वचन हार्ट सर्जरी करता है हमारा। कभी कभी हमारा दिल घबरा जाता है, अरे प्रभु अभी क्या होगा, अभी मर गए हम, अभी सब खत्म हो गया। प्रभु बोलता है अभी तो हार्ट की सर्जरी करूँगा। उसने फिर शुरू किया एक एक, ओ मूसा के नियम में मैं, व्यवस्था में मैं हूँ, ओ भजन संहिता में मैं हूँ, ओ बस भविष्यवक्ता जो बोले वो मैं हूँ। वो बोले हमें एक फायर 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 हालिया आग हालिया, हमारा दिल आग के समान हुआ था, बर्निंग, हाउ हार्ट वॉज बर्निंग। प्रेज द लॉर्ड, हार्ट सर्जरी, बोलो हार्ट सर्जरी। जब आप निराश हो जाते हो प्रभु के वचन को समझो, यीशु को देखो, जहाँ कर भी हालेलुया प्रभु आपको आपके हार्ट सर्जरी करके आपका हार्ट ठीक हो जाएगा, सारे एरोज निकल जाएंगे, सारे तीर निकल जाएंगे, हालेलुया, और प्रभु हालेलुया फिर आपके आँखों को खोलेगा। बाइबल में बाद में लिखा है कि इमाउस के मार्ग पर उनकी आँखों को भी खोल दिया उन्होंने। प्रेज द लॉर्ड। और जब आंखों खोली हालेलुया, दे रन, ओ वो दौड़ना शुरू किया, ओ दे डोंट वेट टुमारो, हाले होने वाली, दिस इज द डे, आज ही जाएंगे, चेलों को बताएंगे। हालेलुया, मेरे प्यारे भाइयों, मुख को खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। ओ पवित्र आत्मा आपके मुखों को खोलना चाहता है, लेकिन मुख हालेलुया मुंह कभी खुलेगा जब हमारी हार्ट सर्जरी हो जाएगी। हालेलुया, हमारे दिल में पवित्र परमेश्वर के वचन कार्य करेंगे। जब हालेलुया, ओ जब दिल में वचन आएगा, आंखें खुली हो जाएगी, और जब आंखें खुली हो जाएगी, हमारा मुंह भी खुला हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वैसा ही लोगों के दिल में कार्य किया, और एक समय आया 500, बाइबल में लिखा है कि उसने तो लास्ट में दर्शन दिया 500 लोगों को, बोलो 500, एक ही बार
500 को दर्शन दिया, लेकिन प्रेयर करने के लिए जब पवित्र आत्मा आया अटारी में कितने थे? बोलो 120. वेयर आर दे? जिन्होंने पुनरुत्थित यीशु को देखा लेकिन दे डोंट गो टू द प्रेयर. हालेलुया मेरे प्यारे भाइयों, हालेलुया. आपको इकट्ठा होकर चर्च में आना है, प्रेयर करना है, फिलोशिप में बैठना है. हालेलुया. 500 थे लेकिन 120 ही रह गए. क्या आप उस 500 में हैं जो 120 यानी कितने 380 में है या 120 में है आप? आपके दिलों को पहचानो. हालेलुया. और जो 120 आए, पवित्र आत्मा आया, किस पर आया, कितने लोगों पर आया? बोलो 120. मैंने ऐसा नहीं लिखा है 100 लोगों पर आया, 20 लोगों पर, सिर्फ 12 लोगों पर, 6 लोगों पर, हर एक व्यक्ति पर आया. प्रेज द लॉर्ड. देखो पवित्र आत्मा हमारे आंखें खोलना चाहते हैं. दोज हु वांट टू फिल विद द होली गोस्ट. शैतान ने आपके मनों को बांध दिया है पवित्र आत्मा को ना पहचाने, क्योंकि प्रभु का इच्छा थी वो पवित्र आत्मा से भर जाए. इसलिए 40 दिन हालिया उसका खड़ा होने के बाद हालिया उसका लास्ट मैसेज साबित, आप तुम खड़े हुए हो, आप सुनो, पवित्र आत्मा आएगा, आपको सामर्थ मिलेगा. प्रेज द लॉर्ड. ओ मेरे प्यारे भाइयों, पहले निराश को उसने स्टैंड किया, स्टैंड होने के बाद कहता है ओ पवित्र आत्मा आएगा और आप सामर्थ को पाओगे. विदाउट पावर यू कांट सर्व मी, विदाउट पावर यू कांट टेस्टिफाई मी, विदाउट पावर यू कांट टच पीपल हार्ट, विदाउट पावर यू कांट डू मिरेकल्स, यू विदाउट पावर नो वन कैन सेव, विदाउट पावर यू कांट बैप्टाइज. ओ बैप्टाइज पीपल. मेरे प्यारे भाइयों, पवित्र आत्मा को समझो, प्रभु के दिल को समझो. हालेलुया. इसलिए 40 दिन दर्शन कि वो पवित्र आत्मा से भर जाए. और प्रभु कितना विश्वासु है, 120 बैठे थे. आई डोंट ओनली 12 डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट. हालेलुया. लेकिन प्रभु ने इतना विश्वासु था. हालेलुया. जितने बैठे थे उनको, उन पर पवित्र आत्मा आया. प्रेज द लॉर्ड. दे डोंट, देयर नेम इज नॉट मेंशन, उनका नाम नहीं लिखा है. लेकिन हालेलुया, हमारा प्रभु विश्वासु है. जब आप चाहोगे कि हमें पवित्र आत्मा से भरना है, वो 101% आपको भरेगा. इसके लिए आपको कुछ कीमत अदा करने की जरूरत नहीं. विश्वास से सिर्फ हालेलुया देखना है, स्वीकारना है, एक्सेप्ट करना है पवित्र आत्मा को. लोग बोलते हैं मैं क्या पवित्र आत्मा, आज बहुत कलीसिया है, ओ स्टैंड है, लेकिन ओ दे डोंट फिल विद द होली गोस्ट. यू कांट टच मैनी पीपल्स. जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे, यू विल टच मैनी मैनी लाइव्स, यू विल टच मैनी मैनी नेशन, यू विल टच मैनी मैनी पीपल. ओ रवा शकंदा, प्रभु की इच्छा है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाए मेरे प्यारे भाइयों. ओ एक एक व्यक्ति पर भी आएगा वो. अब मत बोलो कि मुझ पर नहीं आएगा. नहीं नहीं नहीं. ओ हालेलुया, प्रभु की इतनी पावरफुल इच्छा थी. अगर 500 लोग वहां पर जमा हो जाते थे, वो 500 पर भी आता था. प्रेज द लॉर्ड. अरे 500 नहीं, 5000 जो चमत्कार किए हुए प्रभु ने, वो पर्वत पर जिनको 5 रोटी 2 मछलियां खिलाई, वो 5000 लोग भी वहां पर रहते थे. तो मेरा प्रभु पवित्र आत्मा उन पर भी डाल देता था. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ओ मेरे प्यारे भाई, लेकिन जितने थे उन पर आया. मेरे प्यारे भाई, आर यू वांट टू फिल विद द होली गोस्ट? हालेलुया. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. पवित्र आत्मा आने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है. ओ हालेलुया, उसने सब कुछ पूरा किया पवित्र आत्मा आने के लिए. हालेलुया. ही पेड प्राइस ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी. ओ उसने सब कीमत अदा की है. ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा से आपको भरने के लिए सिर्फ योर डिज़ायर. हालेलुया, आपकी इच्छा होनी चाहिए, मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ. ओ कीमत नहीं, सिर्फ विश्वास.
विश्वास रखो। हालेलुया, जो विश्वास रखेंगे 15 रखेंगे, 50 रखेंगे, जिन जी भी रखें, जो भी रखेंगे, क्योंकि मुझे आत्मा से भरना है, हर एक पर पवित्र आत्मा आएगा। शैतान बोलता है नहीं नहीं, तू यू आर नॉट वर्दी, आप पात्र नहीं हो। अरे सब प्रभु उसके लहू से धोते। क्या पत्रस पात्र था पवित्र आत्मा से भरने के लिए? अरे कुछ दिन पहले तो, हालेलुया, 50 दिन पहले तो उसने यीशु को मुकारा था, मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट दिस मैन, ही वॉज नॉट वर्दी, बट गॉड्स ब्लड मेक हिम होली। प्रभु का लहू हमें वर्दी बनाता है, पात्र बनाता है, लायक बनाता है, योग्य बनाता है। हालेलुया, वो आपको योग्य बनाएगा और आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, 101% भर जाओगे। ओ रबा शकंता रबा, आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। जो पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए हैं, हालेलुया, आइए हम हालेलुया अपनी आंखों को खोल कर, आँखें बंद कर कर हालेलुया देखें उसका सामर्थ्य। वो निराश शिष्यों पर पवित्र आत्मा नहीं डाल सकता था, जो खड़े ही नहीं थे उन पर पवित्र आत्मा कैसे आएगा? जो यीशु के लिए खड़े हो जाते हैं, जिनको इच्छा है कि मुझे कार्य करना है, ओ जो यीशु के लहू से धुले हुए होते हैं, उन पर ही पवित्र आत्मा आता है। ओ प्रभु की बहुत बड़ी इच्छा थी, हालेलुया, बहुत बड़ा ट्रेनिंग दिया, सब कुछ सिखाया, लेकिन उसकी इच्छा थी पवित्र आत्मा से भरोगे तभी तुम सामर्थ को पाओगे। मेरे प्यारे भाई सुनो, जब यीशु ने भी चेलों को भेजा था, उन्होंने भी ऑलरेडी मिराकल किए थे, दुष्ट आत्मा निकाली थी, बहुत बड़े कार्य किए थे। जो पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए हैं वो भी कार्य करेंगे, लेकिन दैट विल बी लिमिटेड, उस सीमित रहेगा। लेकिन जब हालेलुया पवित्र आत्मा से आप भरोगे, दैट विल बी अनलिमिटेड, that will be supernatural. Oh, you can't count. इतने बड़ा बहुत बड़ा कार्य करेगा आपके द्वारा प्रभु। प्रभु का आत्मा कह रहा है ओ रबा शका नबा रबा, ओ कनत है पवित्र आत्मा, ओ अनिर्वाच्य कन है याने, ओ हे सत्य जानाव, ओ तो म्हणतो की तुम्ही येशूचं हृदय जानाव। वो कह रहा है कि तुम प्रभु के दिल को समझो। ओ व्हाट अ वंडरफुल जीसस, ओ माय जीसस। कितने बार आप थक जाते हैं, कितने बार गिर जाते हैं, कितने बार निराश हो जाते हैं, फिर भी यीशु आता है हमें मनाने के लिए, फिर भी यीशु दया करता है, फिर भी यीशु उठाता है। ओ माय जीसस, क्योंकि उसकी इच्छा है कि आप खड़े होकर प्रभु के लिए बहुत बड़ा कार्य करें, उसका सुसमाचार सुनाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र पवित्र आत्मा, पवित्र फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, मेरी महिमा से, फिर से तू अभिषेक, पवित्र आत्मा,
इस जीवन को तू बदल दे मेरे हम पे बरसे तेरी महिमा से फिर से तो बोलो अशकरबा थैंक यू होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा यहाँ पर है जो सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब कि आपका दिल यरूशलेम में उस 11 लोगों पर ओ आया और प्रभु वहाँ पर आप मिलने गए. ओ माय जीसस, ओ उन्होंने आज्ञा का भंग किया, सुना नहीं प्रभु, लेकिन प्रभु हालेलुया आपका दिल हालेलुया बहुत प्यार उस प्यार से भरा है प्रभु. फिर भी आप तू गया परमेश्वर, तू गया यीशु और उनको खड़ा किया, उनको टच किया, उनको ओ आपकी प्रेजेंस दी परमेश्वर. बहुत बार हम प्रभु आज्ञा भंग करते हैं, आपको छोड़ते हैं प्रभु, आपका सुनते नहीं परमेश्वर, फिर भी हम पर भी आप दया करते हैं. ओ व्हाट अ वंडरफुल जीसस, व्हाट अ लविंग जीसस, ओ व्हाट अ मार्वलस, ओ वंडरफुल. हम प्रार्थना करते हैं जो सुन रहे हैं प्रभु, आज पूरे दिलों का दावा लीजिए, हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भर दो प्रभु. मेरे प्यारे भाइयों, पवित्र आत्मा आपको भर रहा है राइट नाउ. ओ 120 थे और एक भी उसने छोड़ा नहीं पवित्र आत्मा ने, बिकॉज ही ईगरली वॉन्ट टू फिल यू. एक बहुत बड़ी पैशन से प्रभु को आपको भरना है. हालेलुया, आप कहते हैं कि मुझे ओ पवित्र आत्मा से भरना है, और नहीं उससे भी ज़्यादा पैशन प्रभु की है. वो बोलता है कि मेरी इच्छा है कि मैं तुझे पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ. ओ रबा शकंदा रबा लबा रबा शकंदा रबा लबा रबा, जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला है आज आपकी मुंह को खोलो. हालेलुया, जो भाषा पवित्र आत्मा देता है वो बोलो. हालेलुया, शुरू करो विश्वास से, एक एक शब्द आएगा, लेकिन जब आप बोलते जाओगे प्रभु विश्वासु है, नए नए शब्द देगा वो. ओ रबा शकंदा रबा रबा रबा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट. I receive your power. Oh, every heart, every soul, every mind who is watching this TV, who is watching on YouTube, who is watching on Facebook, I receive the power of Holy Ghost right now. Fill them, jahan kahin bhi ho, gharon mein, oh, office mein, oh, Rava Shakanda, oh, mere pyare bhaiyo, aap kahin bhi rahoge, lekin Holy Spirit ko koi, oh, ruk nahi sakta hai Pavitra Atma ko, wo aa raha hai, right now, right now. Oh Rava Shakar Rabba Rabba, she will receive the power, receive the power of Holy Ghost. Oh, you will testify. Aap, oh, gawai ho jayenge, Prabhu ke liye gawai ho jayenge, Yeshu Masih ke naam mein, Yeshu ke Masih ke naam mein, I receive the dynamic power of the Holy Ghost. Right now, every heart, every people, every land, oh, har ek bhasha, oh, sunne wale, oh, Rava Shakanda Rabba, receive now, receive, fill, 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 fill the fire of the Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Pavitra Atma ki ichha hai ki aap sabko jo chahte hai ki Pavitra Atma se mujhe bhar ke Parmeshwar ke rajya badhane.
प्रभु आप यूज करें, जो आपकी प्रार्थना है परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है। जो 120 थे उसमें स्त्रिया भी थी, लेडीज भी थी, सब पे पवित्र आत्मा आ गया। ओ प्रेषितों पर पवित्र, चेलों पर पवित्र आत्मा आ गया, पुरुषों पर पवित्र आत्मा आ गया, और वही पवित्र आत्मा स्त्रियों पर भी आ गया। हालेलुया, परमेश्वर आपको छू रहा है। परमेश्वर आप चाहता है कि वो स्त्री को, वो पुरुष को, वो भाई को, वो बहन को, वो जो कुछ कोई है, वो ज्यादा बड़े नहीं रहने दो, तुम्हें जास्त शिकले ले नसाल, पण पवित्र आत्मा तुमच्यावर येईल आणि तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल। पवित्र आत्मा आप पर आएगा और आपको सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा। पवित्र आत्मा यही चाहता है कि छपो पवित्र आत्मा आप पर आने से चंगाई की जो सेवकाई शुरू होती है, परमेश्वर एक अद्भुत रल में अलौकिक जो परमेश्वर का स्वर्ग का मार्ग है वो हमारे लिए खोल देता है। पवित्र आत्मा हमें ले चलता है। इसलिए हमारे यीशु ने कहा, रुके रहो, वो तुम पे आएगा और तुम सामर्थ्य पाओगे। ओ रावा शांदा रावा, ओ रोलोहों दो रावा बाबा बाबा। जो लोग निराशा से घिरे हैं, वो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आपका मुंह खोलिए। और आप अगर कितने भी महीने उस निराशा में बैठेंगे, वो सालों, बहुत से सालों निराशा में बैठेंगे, लेकिन वो नहीं निकलेंगे। आपको खड़ा रहना है, आपको बोलना है कि यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर में चाहता हूँ आप मुझे खड़े कर रहे हैं, मैं खड़ा हो रहा हूँ, और वो निराशा से निकाल दीजिए मुझे। अब जब मुंह खोलेंगे तो पवित्र आत्मा का एक डायनामिक, एक डायनामिक होली स्पिरिट, आपका योद्धा जो रणवीर योद्धा है, वो जो विजय में चलता है, वो आपको खड़ा करने के लिए आपको खड़ा करेगा, आपके परिवार में खड़ा करेगा, आपका पर्सनल लाइफ जो है वो उसमें आपको विजय जीवन देगा, आपके फैमिली में वो विजय जीवन देगा, आपके मिनिस्ट्री में वो विजय जीवन देगा। हालेलुया, ओ रावा शांदा रावा बाबा बाबा। थैंक यू प्रकटीकरण प्रकाशन की आत्मा लेके आता है, वो यहोवा के भय की आत्मा लाता है। होली स्पिरिट, वंडरफुल होली स्पिरिट, वो हीलिंग मिरेकल्स करने वाली आत्मा, पवित्र आत्मा, अपोस्टल की आत्मा, प्रोफेट की आत्मा, रिमाशांडो रोबाबा लहांडो रावा, पासबान पर जो पवित्र आत्मा आता है तो पूरा हर जगह चंगाई, कलेसिया बढ़ने लगती है। और यहाँ दारा बाबा बाबा बाबा, जब सुसमाचार सुनाने वाले रावा शंदा लबा 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 आता है, सुसमाचार से पूरा वो सिटी भर जाता है, वो एरिया भर जाता है, वो गांव भर जाता है, और बाद में परमेश्वर आपको शकिता लबा लबा शंदा लबा 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 पहुंच नहीं सकते, आप डॉक्टर के पास पहुंच नहीं सकते, लेकिन पवित्र आत्मा आपके पास पहुंच रहा है, बहुत सी चंगाइयां हो रही है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ओ रावा शांदा रावा
यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, द नेम ऑफ जीसस। ओ यीशु के नाम से थैंक्स। चंगाई आपके शरीर में आ रही है, इन द नेम ऑफ जीसस। चंगाई आपके शरीर में आ रही है, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हालेलुया। और प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। हर प्रकार का कैंसर कोई भी रहने दो, लेकिन यीशु पवित्र आत्मा आता है, वो पूरा चंगाई आपको दे रहा है। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो स्त्रिया है, जो गर्भ का प्रॉब्लम है उनको, जो तकलीफ है, यीशु के नाम से निकल रही है। ओ रवशांदा रवा बाबा बाबा बाबा, ओ जिनको ब्लीडिंग हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है। यीशु मसीह के नाम से, ओ रवा बाबा शकला वाला बाबा, करती हूँ रिलीज करती हूँ हर प्रकार का घुटने का दर्द, हर प्रकार की तकलीफ यीशु मसीह के नाम से निकल रही है। यीशु के नाम से घर घर में चंगाई आ रही है, घर घर में बरकत आ रही है, यीशु मसीह के नाम से। ओ रवा शांदा रवा बाबा बाबा बाबा, ओ लोगो तो रवा शांदा रवा बाबा बाबा। थैंक यू जीसस। हम सब जो देखने वाले हैं उनको हम हस्बैंड वाइफ आशीषित करते हैं, आपको चंगाई के आशीष हम रिलीज करते हैं। वैसे की जो आशीष है हम रिलीज करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, रिलीज यीशु मसीह के नाम में। आपका पूरा जो भंडार है, आपका किचन है, यीशु के सामर्थ्य नाम से भर जाएगा। आप भूखे नहीं रहोगे, किधर किधर परमेश्वर कमतरता है वो भर देगा, और आपको भलाई में लेके चलेगा, अमेरी में वो प्रभु लेके चलेगा। क्योंकि प्रभु ने जो कुछ गरीबी इसलिए ली है क्योंकि हम अमीर बन जाए। हालेलुया, आनंद से भर जाए। हालेलुया, आपकी कमजोरी वो लेता है और आपको भरपूरी का आशीष परमेश्वर दे देता है, वही एक्सचेंज कर रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू लबा शकर। की जो बीमारियां है यीशु के नाम से बदरुओ निकल जाओ, यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। हरेक लोगों को चंगाइयां मिल रही है, इन द नेम ऑफ जीसस मिल रहा है, आपको फैमिली को चंगाइयां मिल रहा है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, वो यीशु के नाम में सामर्थ्य है, वो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो भलाई का नाम है, वो चंगाई का नाम है, वो विजय का नाम है, वो सामर्थ्य नाम है, जो असंभव 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 आपके लिए है, वो संभव 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 करते जाता है यीशु मसीह के नाम से। बहुत से जवान लड़के और लड़कियां परमेश्वर के प्यार में गिर रहे हैं और परमेश्वर के प्यार में पड़ रहे हैं, और परमेश्वर आप असाधारण आपको बना रहा है, साधारण लोगों को प्रभु चुनता है, ओ टूटे हुए दिलों को प्रभु लेता है, और वो परमेश्वर उनको मलम पट्टी करता है, उनको परमेश्वर अच्छा कर देता है, और प्रभु उनको खड़ा करके उसके राज्य के लिए उस घर में एक 15 साल से आप लोग बोल रहे हैं कि आप जानते हैं कि दुष्ट आत्मा आपके घर के हर एक व्यक्ति के द्वारा जो बोल रहे हैं काला जादू मुझ पे चल रहा है, मेरे घर पे चल रहा है, और हर एक साल में आपके घर में जो मृत्यु हो रही है, यीशु मसीह के नाम से वो मृत्यु की
हालेलुया। और परमेश्वर का जीवन आपके घर में रिलीज करता हूँ। हालेलुया। श्राप आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। और जो बीमारी है, जो लोग बोलते हैं, आजू बाजू के लोग बोलते हैं कि आपका जो स्मरण शक्ति निकल जाता है, लोग बोलते हैं पागल लोग हैं, वही पागल बनाने वाले दुष्ट आत्मा को मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, निकल जा लोगों में से। और पवित्र आत्मा का जो नाम इस ड्राइन एंड होल स्पिरिट आपको स्पर्श कर रहा है, वो वॉरियर, वो जो युद्ध करने वाला महायोद्धा है आपके घरों में आ रहा है, आपके शरीर में आ रहा है। पैरालिसिस यीशु मसीह के नाम से निकल जा। और हीलिंग मैं रिलीज करती हूँ, रिलीज करती हूँ। जो डॉक्टर नहीं कर सकते, आपके पास रिपोर्ट है, इससे कुछ अच्छा नहीं निकलेगा, इसकी बीमारी अभी वो चंगा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार वचन आपके यहाँ आया है और प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। डॉक्टर के रिपोर्ट कैंसल हो रहे हैं और जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो निगेटिव में बदल रहे हैं। और जब आप चेकिंग करेंगे तो परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर का जलाल, ओ परमेश्वर का जो प्यार है आप देखेंगे और आप टेस्टमनी देंगे, आप गवाही देंगे। तुम्हें साक्षी दयाल परमेश्वर आने माझ्या जीवनामध्ये अशक्य ते शक्य केलेलं आहे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हर एक व्यक्ति को आपने आशीषित किया, धन्यवाद। हर एक को आपकी आत्मा से भर दिया, धन्यवाद। और हमारे सारे चर्च मेंबर को हम आशीषित करते हैं, जो सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब, उनको भी हम आशीषित करते हैं। प्रभु महिमा स्तुति आपके नाम को देते हैं और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन।